अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई थ्री बैट्स एंड थ्री बॉल्स फोर रुपीज 3,900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड टू मोर बॉल सेम काइंड फोर रुपीज 1,300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली। तो देखिए, क्रिकेट के कोच ने पहले तीन बॉल और तीन बैट और छः बॉल परचेज की 3,900 की। फिर उसने एक बैट और दो बॉल 1,300 की है। तो देखिए, कॉस्ट हमें बैट की बतानी है, तो सबसे पहले लेट एक्स बी द कॉस्ट, या द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स, बॉल बी वाई। तो पहली सिचुएशन में तीन बैट लिए हैं, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 30। मतलब बैट पे कितना लगा 3x, बॉल पे कितना लगा 6y, तो टोटल पैसा कितना लगा 3,900। सिमिलरली एक बैट पे x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। तो जैसे ही इसको मैंने सॉल्व किया तो ये दो मेरी इक्वेशन आ गई। तो ये अलजेब्रिकली फॉर्म है उसकी। अब इसको ग्राफिकली फॉर्म में शो करना है, तो ग्राफिकली में देखिए सिंपल सी बात है कि आप क्या करोगे, 6y को राइट साइड में ले ट्रांसफर करेंगे, फिर 3, तो x इक्वल टू क्या बनेगा, ये x इक्वल टू 3,900 माइनस 6y बाई 3। x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, x की आएगी। तो पहली टेबल जो हमारी है ये रही, पहली टेबल है x की वैल्यू 300 रखा तो y 500, 100, 600, माइनस 100, 700। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में भी हमने टेबल बना दी, और ये 9th क्लास में आपने पढ़ी है। इसका ग्राफ आ रहा है, एक सिंगल लाइन आ रहा है कि वाकई ये सही है या नहीं है, एक बार फिर चेक करते हैं हम। तो दोनों इक्वेशंस हमें क्लियर है, मैं इसमें इनपुट दे रहा हूं इक्वेशन का, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। ये आई थिंक इसमें स्केल बहुत बड़ा हो गया है, इस वजह से ये लाइन शो नहीं हो रही थी। अब नेक्स्ट, x माइनस 2y एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1,300। ये लो, अब आपने देखा इस ग्राफ में दोनों की दोनों लाइन ओवरलैप हो गई, ये देखिए। तो ये कितना हो गया, इनफाइनेट मैनी सॉल्यूशंस। ये देखिए, अब मैं इस पे पॉइंट रख रहा हूं, जैसे 300,500 पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए आप, 100,600 दूसरा पॉइंट आ गया, थर्ड माइनस 100,700 ये लो। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट है, दो तो पॉइंट सेम ही है, 300,500, 100,600 और एक 100,700। तो दूसरी इक्वेशन में भी आपने देखा होगा कि तीनों के तीनों पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है सिचुएशन, जिसमें लाइन क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि आप उसने किसी एक ने 1,000 रुपए में 1,000 रुपीज में एक बैट खरीद लिया। मैं आपको ये सिचुएशन बता रहा हूं, सपोज कीजिए कि किसी ने 1,000 रुपीज में एक बैट खरीद लिया, तो 3,000 रुपीज तो उसने पे कर दिए बैट के, तो बाकी बॉल के लिए कितना हो गया, 150 की 6 बॉल, 150। यानी कि अगर आप 1,000 रुपया कॉस्ट मानते हो बैट की, तो बॉल की 150 रुपया होगी। अब ये सिचुएशन इसमें भी सेटिस्फाई हो रही है, देखिए 1,000 प्लस 2 × 150 ऑल्सो 1,300। तो कहने का मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, एक्स कोई भी ले लीजिए, वाई उसी के अकॉर्डिंग आएगा और वो दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए ऐसे ही
इसका थर्ड क्वेश्चन है, उसकी जो इक्वेशन है वो भी सिंपल है। थर्ड में ये लो, ये लो, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है 160 रुपीज़, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की इतनी कॉस्ट है। तो देखिए वो इक्वेशन का फॉर्मेशन, कॉस्ट एप्पल की मान ली, ग्रेप्स की मान ली एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स भी वाई। तो 2 kg है तो 2x + y = 160, 4x + 2y = 130। तो जैसे ही इनको टेबल बना के आपने सॉल्व किया, जैसे ही आपने टेबल बना के सॉल्व किया, ये टेबल इसमें मेंशन है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जियोजेब्रा में इन पॉइंट्स को शो कर रहा हूँ। देखिए इसी एप्लेट्स पे दिखा रहा हूँ मैं, पहले है पहली लाइन मेरी 2x + y = 160, एक लाइन आ गई। दूसरी लाइन है 4x + 2y = 300, ये लो। तो अब आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, क्योंकि इसको जूम किया कर रहा हूं मैं, तो देखिए दोनों की लाइन कितनी पैरेलल है, दोनों के दोनों। और अगर मैं इस पे इनपुट देता हूं, अलग अलग पॉइंट देता हूं, जैसे सपोज कीजिए कि पहली लाइन का मैंने 60 और 40 दिया, 60, 40, तो ये कहीं ना कहीं इसी पे दिखाएगा, ये 60, 40, ये रहा। फिर ऐसे ही मैं दूसरी लाइन का एक पॉइंट ले लेता हूं, 75, 0, ये दोनों एक एक पॉइंट हो गए। ऐसे दो दो पॉइंट और प्लॉट करोगे तो ये दोनों के दोनों लाइन पैरेलल आएंगी, यानी कि इस सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन आए, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि हम ऐसी कोई कोस डिसाइड नहीं कर सकते जिसमें एप्पल 2 kg, 1 kg ग्रेप्स 160 में खरीद लें और 4 kg एप्पल, 2 kg ग्रेप्स 300 में खरीद लें। तो इसका मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन्स ये हमारी जो कंडीशन है ना, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ये कंडीशन होगी। इससे पहले वाली a1/a2 b1/b2 = c1/c2, और पहले क्वेश्चन में क्या था, a1/a2 ≠ पहला था यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड ग्राफ में आया था हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और थर्ड में आ गया नो सॉल्यूशन।